Assalamu alaikum dear students uh, I welcome you again in uh, this offline class and you know uh, we'll continue with the lesson the heart of the only world for 10th class it is written by Amitav Ghosh in last lecture I had given you the introduction and summary of this lesson and today I will give you इट्स समेरी अगेन इन उर्दू एंड कैशमीरी सो दैट यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड आफ्टरवर्ड्स यू वी एबल टू आंसर द क्वेश्चन नौ लेट मी गिव इट्स समेरी इन उर्दू ऑल्सो सो इस तरह से ये है अदीब का एक दोस्त था जिसका नाम आगा शाहिद था जो मैंने आपको बता दिया था आगा शाहिद कश्मीर का रहने वाला था इस वक्त अदीब और इस अदीब अदीब का मतलब होता है राइटर जो कुछ लिखता हो लिटरेचर के साथ जो वाबस्ता हो और यहाँ अदीब का मतलब अदीब है अमिताभ घोष तो उसी का दोस्त था आगा शाहिद अली और इस वक्त वो प्रेजेंटली दे वर लिविंग बोथ ऑफ वर लिविंग इन आ, अमेरिका आ, अब अमिताभ घोष जानता था, था कि शाहिद को दिमाग का कैंसर है तकरीबन चौदह महीने से उसका इलाज चल रहा था शायद जानता था कि उसने ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहना है शायद को पता था अपनी बीमारी का और इस मोहलिक बीमारी का और वो जानता था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्गर लेकिन पहली बार जब उसने अदीब से अदीब मतलब अमिताभ घोष से नज़दीक नज़दीक आ रही अपनी मौत की बात की तो वो 25 अप्रैल 2001 का दिन था जब उसने पहली बार आ, इसको बोला कि नहीं अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला हूं तो वो दिन था पच्चीस अप्रैल दो का अदीब ने उसे याद दिलाने के लिए फोन किया था कि उन्हें एक दोस्त के घर खाने की खाने की दावत दी गई है अदीब का फोन का जवाब देते हुए शाहिद ने कहा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वो जानता था कि उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका था उसने अदीब से कहा जब ऐसा हो जाए तो मुझे उम्मीद है तुम मेरे लिए कुछ लिखोगे अदीब ने शाहिद को तसली देने की कोशिश की और कहा शाहिद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम्हें मजबूत बनना होगा तो शाहिद ने इसको कहा अमिताभ घोष से कि नहीं आज पहली बार मुझे इस ऐसा हुआ मेरी आँखों की रोशनी ही चली मुझे अंधेरा हो गया छा गया तो क्योंकि उसके दिमाग में एक ट्यूमर था तो उसका अब जो वो बढ़ रहा था दिन बदिन और उसकी मौत नज़दीक आ रही थी तो अब अमिताभ ने उसको तसली दी झूठी तसली लेकिन शाहिद चूँकि पढ़ा लिखा आदमी था ही न्यू एवरी लेकिन शाहिद अपनी किस्मत को जानता था उसने कहा कि तुम्हें मेरे बारे में लिखना होगा हाँ उसने फिर इस अमिताभ घोष से एक रिक्वेस्ट की कि जब आ, शाहिद मतलब वो आप उसके मरने के बाद वो उसके बारे में ज़रूर कुछ लिखेगा तो बिल आखिर वो मान गया उसने कहा कि ठीक है आ, आ, तो उसने उसके मरने के बाद आ, वो, 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 शाहिद के बारे में लिखा उस दिन से अदीब ने शाहिद के साथ होने वाली मुलाकातों और बातचीत का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया इस मजमून में वो सभी बातों को बयान करता है जो अपने दोस्त की ज़िंदगी में और उसकी शख्सियत के बारे में जान पाया तो इस मुख्तसर अरसे में जो कुछ वो शाहिद के बारे में जान गया था जो भी मुलाकात उसकी होती थी शाहिद से उसका वो एक बाबा एक रिकॉर्ड रखता था शाहिद एक शायद था उसकी और उसकी नजमों का एक मजमू द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस नाइनटीन उन्नीस सौ सतानवे में छप चुका था अदीब ने इन में से कुछ नजमें पढ़ी थी और वो इनसे काफ़ी मुतासर हुआ था तब तक वो शाहिद के बारे में सिर्फ इतना ही जानता था कि वो श्रीनगर का रहने वाला था और दिल्ली यूनिवर्सिटी का तालब हुआ करता था अदीम ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही तालीम हासिल की थी और यूनिवर्सिटी में उन्होंने थोड़ा सा वक्त साथ बिताया था लेकिन वहाँ दोनों की दूसरे से मुलाकात कभी नहीं हुई हालांकि दोनों रह चुके थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोनों ताल रह चुके थे लेकिन उन दिनों उनमें कोई तालमेल नहीं था कोई दोस्ती नहीं थी शायद उन्नीस सौ में अमेरिका आ गया उसका बड़ा भाई पहले से ही वहाँ था और बाद में इसकी दो बहनें भी रहने के लिए इसके पास आ गईं शाहिद के माँ बाप श्रीनगर में रहा करते थे शाहिद की एक आदत थी कि वह हर साल गर्मियों के महीने में अपने माँ बाप के साथ श्रीनगर में बिताया करता था अगर जो अदीब उन्नीस तक शाहिद के से कभी नहीं मिला था उनके कुछ साझे दोस्त साझे मीनस कॉमन फ्रेंड्स जिनमें से एक ने अदीब के साथ शाहिद का कायम करवाया साल उन्नीस सौ अठानवे और उन्नीस सौ नन्यावे के दरमियान इनके बीच कई बार फ़ोन पर बातचीत हो गई और वो कई बार एक दूसरे से भी मिले भी लेकिन अभी तक एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे उनके एक दूसरे से सिर्फ़ जान पहचान थी उन्नीस सौ निन्यानवे और दो हज़ार के दरमियान शाहिद ने अमरीका के कई कॉलेजों में पढ़ाने का काम किया सात मई दो हज़ार को अदीब शाहिद से मिलने एक कॉलेज में गया जहाँ वो इस वक्त तैनात था वहाँ उसने देखा कि शाहिद अपने शागिरदों में बहुत मकबूल था बहुत पॉपुलर था अपने शागिदों के साथ शाहिद फरवरी 2000 में जब वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कुछ वक्त के लिए काम कर रहा था तो वहाँ पहली बार उसकी आंखें जवाब दे गईं तब शाहिद ने ब्रोकलेस जाने का फ़ैसला किया कि वहाँ अपने छोटी बहन समीता के करीब रह सके जो वहाँ एक टीचर के अहदे पर अहदे पर तैनात थी अदीब उस जगह से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर रहता था अब वो एक दूसरे से ज़्यादा करीब हो गई और अमूमन मिलने लगे अगर शाहिद की हालत तेज़ी से बिगड़ रही थी वो सदा खुश रहा करता और हंसी मजाक की आ, बातें करता तो, तो एतफाक़न जब शाहिद अपनी बहन के पास नज़दीक रहने गया तो अदीब जो ये जो अमिताभ घोष है वो ये भी वहीं रह, रहता था तो ये एक इतफाक था कि अब उनका मिलना जुलना ज़्यादा हो गया था तो शाहिद हालांकि वो जानता था कि उसकी मौत आने वाली है लेकिन फिर भी वो खुश रहता था एक दिन दोपहर के बाद स्कोटो मेहरा जो एक अदीब था और ब्रोकलिन में रहता था उनके साथ दोपहर के खाने पर शामिल हो गया उन्होंने मिलकर एक तरकीब सोची कि एक बार ऐसा अडा बन जाए जहाँ वो मिल बैठ सकें और बातें कर सकें अब वो बाकायदा तौर पर एक दूसरे से मिलने लगे और कभी कभी दूसरे अदीब भी इनके साथ मिलते गए एक बार टीवी वालों की एक टोली अपना कैमरा ले आ गई और उनकी मौज मस्ती भरी एक फिल्म बनाई और एक और अदीब भी आ गया अब वो उन्होंने एक अड्डा बनाया जहाँ वो मिलते थे तो आलू मौज मस्ती करते थे शायद एक खुश रहने वाला इंसान था उस ख़तरनाक बीमारी के बावजूद जिसमें वो मुबतला था जो वो अपनी ज़िंदगी के हर पल का मज़ा लेता था अक्सर इसके घर पर महफिलें हुआ करती थी वो कहता कि इन महफ़िलों की वजह से मायूस होने का वक़्त ही नहीं मिलता है उसका एक कमरा इमारत की सातवीं मंजिल पर था जहाँ इससे नदी के पार वाले शहर का ख़ूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था उस शहर का रोशनी में चमकता हुआ नज़ारा एक घाट की तरह दिखाई देता था तो यहाँ हम देखते हैं कि घाट इस घट ऑफ द ओनली वर्ल्ड कैसे इसका नाम पड़ा तो शायद अच्छे खाने का भी शौकीन था बड़ा वो खानों का शौकीन था वो अच्छे अच्छे पकवान बनाया था बिल्कुल आ, दोस्तों को खिलाया करता ख़ुद खाता था अच्छे से उसके टेस्ट जो थे वो अच्छे थे खासकर कश्मीरी रोगन जोश का वो शौकीन था यखनी वगैरह सब और दूसरा शौक़ उसका था आ, गाने सुनने का जो जो बेगम अख्तर के ग़ज़लें सुनता था किशोर कुमार और पुरानी बम्बया फिल्मों के बड़े शौकीन थे वो तो बचपन में वो आ, बेगम अख्तर से वो मिला भी था बेगम अख्तर एक गज़ल गो थी आ, भारत की बहुत मशहूर गज़ल गो गज़ल गाने वाली थी गाती थी तो शायद इसकी खास बात ये थी कि वो शाहिद एक कश्मीरी एक शायर भी था तो कश्मीर की जो सूरत हाल थी उस पर वो उसे उससे वो बहुत दुखी हुआ था उस पर भी उसने बहुत कुछ लिखा था तो वो सियासत को मज़हब से अलग रखने में यकीन रखता था तो आखिर पर जब वो जब इसके मौत का वक्त करीब आया तो वो चाहता था कि कश्मीर में आके वो मरे लेकिन ऐसा हो ना सका तो पाँच मई 2001 को अदीब शाहिर की शाह से टेलीफोन पर बात हुई डॉक्टर सभी उम्मीदें छोड़ चुके थे वो इसे एक साल है इसे भी कम वक्त दे रहे थे आखिरी बार जब अदीब शाहिद को देखा अदीब ने शाहिद को देखा वो सताईस अक्टूबर 2001 का था शाहिद तब अपने भाई के घर पर था इसे अपनी नज़दीक आ रही मौत का एहसास हो गया था और उसने इसे समझौता कर लिया था उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं थे लेकिन इसके बावजूद एक शाहिद शाहिद जो था एक हिम्मत वाला इंसान था आ, उसको पता था उसके एक ऐसी बीमारी है जो उसको छोड़ने वाली नहीं थी जो तो जो उसको उसको बहरहाल उसकी जान लेने वाली थी और उसकी मौत अब करीब आ रही थी लेकिन फिर भी शाहिद के चेहरे पर कभी इस कस्म की तकलीफ़ नुमाया नहीं थे तो आ, न, बिल आखिर आठ दिसंबर 2001 सुबह दो बजे वो आ, इस दुनिया से चल बसा तो शाहिद की मौत के बाद अदीब को भारी खालीपन महसूस हुआ इस बात पर हैरान था कि इतनी छोटी सी दोस्ती इतना बड़ी बड़ा खालीपन छोड़ सकती है अदीब कहता है कि अक्सर जब वो अपने कमरे में चल कर जाता है तो वहाँ से शाहिद की मौजूदगी का एहसास रहता है होता है तो शाहिद की इस अदीब और शाहिद की बहुत कम ये हुई थी लेकिन फिर भी इनकी